my channel. So in this video, of course, as you can already see, is going to be my Eid makeup look. So this is going to be a Eid 2021 makeup look. I think मैं अभी तक बहुत सारे Eid makeup look create कर चुकी हूँ, but this is trust me my favorite. मैंने ऐसा कभी भी कुछ भी create नहीं किया. This is so different for me and काफी अच्छा लग रहा है मेरे को. आप जरूर कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लग रहा है. ऑल्सो ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू हु आर सेलिब्रेटिंग. आई नो भी कोविड चल रहा है, बट ऊपर वाला करेगा तो बहुत ही जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा और नेक्स्ट सारे फेस्टिवल्स जो भी आएंगे ना, हम बहुत ही जल्दी सेलिब्रेट करेंगे. बट कोई बात नहीं, चलता है. एटलीस्ट हम मेकअप करके खुद को एक खुशी तो दे ही सकते हैं ना. एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो एंड लेट्स सी दैट हाउ टू क्रिएट दिस लुक. सो गाइज, फेस को मैं ऑलरेडी मॉइस्चराइज कर चुकी हूँ विद दिस सेटअप इन मॉइस्चराइजिंग लोशन. एज ऑलवेज आई लव दिस. अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है या ड्राई स्किन है, जस्ट ट्राई दिस वन आउट, बहुत ही अच्छा है. एंड नाउ विद एन अप्लाई प्राइमर. प्राइमर ऑफकोर्स अपनी स्किन टाइप के हिसाब से ही आप अप्लाई करना. मेरी स्किन ड्राई है, सो आई एम गोना अप्लाई दिस सीरम प्राइमर. अगर आपकी ऑयली स्किन है तो अप्लाई अ मैटिफाइंग प्राइमर. तो इट डिपेंड्स ऑन योर स्किन टाइप. सो मैं अप्लाई कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का प्राइम फोकस सीरम प्राइमर. So you can see that it has given me a very beautiful sa glow. So now I'm gonna fill in my pores because I also have pore issues on my face, like my nose and this cheek area. तो उसके ऊपर मैं पैक पोर प्राइमर को अप्लाई करूंगी. Obviously you just need a very little amount. थोड़ा सा उसको फिंगर में वार्म अप कर दो and then just apply it like this. डोंट रब इट. अगर आप रब करोगे ना तो इस टाइप के प्राइमर्स जो होते हैं वो बिल्कुल राउंड हो जाते हैं, बॉल की तरह ना बन के निकल जाते हैं, आपके पोर्स को फिल नहीं करते. सो इस तरीके से जस्ट अप्लाई इट लाइक दिस. यूजुअली मैं प्राइमर को अप्लाई करने के बाद कंसीलर अप्लाई करती हूँ टू कंसील माई एक्ने स्पॉट्स. बट क्योंकि मैं आज बहुत ज्यादा हाई कवरेज फाउंडेशन यूज करने वाली हूँ, इसलिए आई एम नॉट गोना अप्लाई कंसीलर. एंड फॉर फाउंडेशन आई एम यूजिंग दिस शुगर कॉस्मेटिक्स एस ऑफ फेस फाउंडेशन स्टिक. आई एम इन द शेड 07 वनीला. एंड नाउ मैं इसको ब्लेंड करूंगी विद द हेल्प ऑफ दिस पैक कॉस्मेटिक्स ब्रश. तो मुझे काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं ब्रश की वीडियो बनाने के लिए, सो आई विल श्योरली मेक दैट. थोड़ी सी अभी मेरी वीडियोस ऑलरेडी बनी पड़ी है, स्केड्यूल्ड है. एक बार मैं वो अपलोड कर दूं, फिर ब्रश की वीडियो भी मैं जल्दी बनाऊंगी. सो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस दिखा देना. सो यू विल सी के कितना ज्यादा फुल कवरेज फाउंडेशन है. इसने बहुत ही जैसे मेरे एक्ने को कंसील भी कर दिया एंड काफी ब्लेंडेबल भी है, लाइक बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाता है. ओके गाइस, सो नाउ आई एम गोना हाईलाइट माय फेस विद दिस शुगर कॉस्मेटिक्स मैजिक वॉन्ड कंसीलर. बहुत ही फुल कवरेज है, बहुत ही अच्छा कंसीलर है ये. काफी ज्यादा क्रीमी कंसिस्टेंसी का है एंड ऑल्सो क्रीज नहीं होता है. तो ये मैंने फटाफट से एक रिव्यू भी दे दिया आपको, सो मेक श्योर चेक दैट आउट. एंड इसमें भी मेरा शेड है 07 वनीला लैक. अभी मैं ये ड्राइंग को ब्लेंड आउट करने वाली हूँ विद दिस पैक 073 ब्रश. एंड दिस इज हाउ दिस ब्रश लुक्स लाइक. ओके सो नाउ आई एम गोना सेट एवरीथिंग इन, लॉक एवरीथिंग इन. क्योंकि मेरा फाउंडेशन बहुत ज्यादा हाई कवरेज है, तो ऑफकोर्स हाई कवरेज जो होते हैं ना वो काफी जल्दी हट भी जाता है फेस से. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप उसको अच्छे से सेट कर लो. सो आई एम गोना यूज दिस स्विस ब्यूटी अल्ट्रा फाइन लूज पाउडर. ये मेरा करंट फेवरेट है. अभी मैंने रिसेंटली स्विस ब्यूटी वन ब्रांड ट्यूटोरियल किया है, उसमें इसको यूज किया था. एंड एवर सिंस आई यूज दिस ना, मैं इसकी फैन हो गई. इतना अमेजिंग है. वीडियो में भी मैंने बोला था कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा ये पाउडर. अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी, ऑफकोर्स इस वीडियो के एंड में उसका लिंक मैं डाल दूंगी, तो आप एंड तक देख लो, उसके बाद लिंक आएगा, फिर देखना. अभी पहले ये वाली वीडियो पूरी देखो, ठीक है. सो सो गाइज, मैंने अपनी आईलिड्स को नहीं सेट किया है, दे आर स्टिल स्टिकी. क्योंकि आई वॉन्ट माई आई शेडो टू स्टिक ऑन दैट, तो इसलिए मैं अभी उसको सेट नहीं कर रही हूँ. एंड आई एम गोना फिल इन माई आईब्रोज नाउ. और जो फेस ब्लश हाईलाइट वगैरह वो बाद में देखेंगे, पहले आई मेकअप करते हैं, फिर देखेंगे कितना लाउड रखना है, कितना सटल रखना है. सो आई एम गोना यूज दिस शुगर कॉस्मेटिक्स, दिस इज द आर्च अराइवल ब्राउ पाउडर. बहुत ही अच्छा है ये. सो आई एम क्विकली गोना फिल इन माई आईब्रोज विद इट. So now I'm gonna take my concealer and this angular brush and I'm gonna clean out the edges of my eyebrows. Okay guys, so now let's begin the eye makeup. So eye makeup के लिए I'm going to be using this palette. इसके लिए आप बहुत ज़्यादा excited थे. ये मैंने अपने Amazon must have वाली video में share करा था and you guys loved it.
तो आपको इससे मेकअप ट्यूटोरियल भी देखना था. इसमें इस तरीके से ऐसे 4 पैन्स मिल जाते हैं. सो आई एम गोना यूज दिस ग्रीन वाला टुडे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना टेक दिस कलर और इसको मैं अपनी ऑल ओवर आईलिड के ऊपर अप्लाई करूंगी. बट आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले आई एम गोना पिक माई हाईलाइटर और हाईलाइटर को आई एम गोना अप्लाई दिस ऑन माई ब्राउ बोन. ऑल्सो आई एम गोना अप्लाई सम पाउडर अंडर माई आई ताकि कोई भी फॉल आउट हो तो वो इजिली डस्ट ऑफ हो जाए. तो जस्ट गोना टेक माई ब्रश और this is a Lakme Insta liner and I'm gonna of course apply this as an eyeliner. So I'm gonna repeat the same on my other eye, wear my false eyelashes and I'll be right back. So guys, after eyelashes, this is how my eye makeup looks like. Lower lashing ke liye I'm gonna keep it very simple. I'm just gonna take these two colors again and just gonna apply this on my lower lash line. So that will just connect my upper and my lower lash line. Okay, so now I'm gonna add some mascara. This is the Maybelline Hyper Curl Mascara. And lastly, I'm gonna highlight my inner corners with this Pack highlighter. Alright guys, so now I'm gonna contour my face. Or contour करने के लिए I'm gonna be using this Freedom Pro Artist Contour Palette. This is how it looks like. तो इसमें ये highlighting shades भी हैं, contour shade है. I'm just gonna use contour from this palette. I'm gonna pick this color right here. After contouring, I'm gonna apply my blusher. This is the Sugar Cosmetics Contour the Force Blusher in the shade Peach Peak. And now I'm gonna apply this Flower Beauty Setting Spray to spritz my face. Even though ये मुझ पे इतना suit नहीं करता, because you guys really want me to do this, so that's why I'm applying it. And to top it off, I'm gonna apply, of course, my favorite highlighter. This is the Pack highlighter in the shade 02. लुक अच्छा लगा होगा. इफ यू गाइज एंजॉयड इट, इफ यू गाइज लाइक दिस लुक, मेक श्योर टू गिव इट अ बिग थम्स अप. ऑल्सो ईद मुबारक टू एवरीवन. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली एंड आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वन. बाय.